एसआई भर्ती के अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच गए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के आवास पर पहुंचे हैं एसआई भर्ती के अभ्यर्थी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के आवास पर अभ्यर्थियों ने डेरा डाल दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी। इससे पहले भी आपको हमने कई बार दिखाया जब अभ्यर्थियों की अपनी मांग को लेकर इस तरह से विरोध जताते हुए अपनी मांगों को लेकर विजय शर्मा के आवास पर उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के आवास पर अभ्यर्थी पहुंचे थे। सड़कों पर प्रदर्शन भी किया था इन अभ्यर्थियों ने, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है, इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए बार बार इनको इस तरह से इकट्ठा होकर अपनी मांगों को रखना पड़ रहा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के आवास पर बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में एसआई भर्ती के अभ्यर्थी पहुंच गए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, ये कोई पहली दफा नहीं है, 2 से 3 बार ऐसा हो चुका है जब एसआई भर्ती के अभ्यर्थी डिप्टी सीएम विजय शर्मा के आवास पर पहुंचे हों लेकिन सुनवाई हो नहीं रही है, निराश ये करता है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो सरकार है वो काम कर रही है क्योंकि नियुक्ति काफ़ी पुरानी हो गई है और 2018 का मामला है, ऐसे में पिछले दिनों कोर्ट की तरफ से भी आदेश हुआ है जिसके बाद से अब सरकार इस पर किस तरह से नियुक्ति देना इस पर काम कर रही है। लेकिन अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं क्योंकि अवधि जो कोर्ट ने दिया था वो 90 दिनों की थी कि 90 दिनों के अंदर इनको भर्ती जाए, वो अवधि खत्म हो चुकी है और उसी अवधि खत्म होने के बाद में अभ्यर्थी नाराज़ है सरकार से और नाराजगी पर साफ तौर पर वो पिछले दिनों भीख मांग कर भी प्रदर्शन किए थे जिसके बाद वो कई तरह के भूख अनशन भी करते हुए भूख हड़ताल करते हुए भी नजर आए थे, तो कई तरह के प्रदर्शन उन्होंने किया था और आज पहले से उन्होंने ज्ञापन सौंपा था और यह कहा था कि आज एक बार फिर से विजय शर्मा क्योंकि कवर्धा के बाद में आज रायपुर में है और रायपुर में रहने के कारण उन्होंने समय मांगा था और समय वो अभ्यर्थी कुछ लेट हुए जिसके कारण विजय शर्मा कैबिनेट की बैठक में चले गए। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद उनकी जब विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री जब निवास में पहुंचेंगे तो उनकी मुलाकात होगी, मुलाकात होने के बाद में एक बार फिर से अभ्यर्थी। देखिए बिल्कुल रोहित, आप कह रहे हैं कि सरकार सोच रही है कैसे इनको नियुक्तियां दे, कैसे इनकी नियुक्ति करे, सरकार इस बारे में सोच रही है, लेकिन रोहित काफी टाइम हो गया है इस सब को, कहां दिक्कत आ रही है, कहां परेशानी आ रही है कि इन अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, देखिए एक लंबा समय है क्योंकि 2018 का मामला था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी इसको लेकर नियुक्तियों को लेकर आदेश जारी किया गया था, उस समय पूरी प्रक्रिया हुई है। पिछले 5 सालों के दौरान पे कांग्रेस शासनकाल पे भी कई तरह से प्रक्रिया हुई है लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि एक पुराना वर्ग है और ऐसे में कई लोगों की एज लिमिट पार हो चुकी है, कई लोग ऐसे हैं कि जो फिटनेस का दायरा होता है उस दायरे से बाहर निकल गए हैं और कई तरह की जो उनके में बदलाव है वो आ गया है, ऐसे में एक एक युवाओं के बारे में चिन्हांकित करने के बाद में सरकार ये फैसला लेगी क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत बड़ा जो वर्ग है उससे प्रभावित होता है, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि जल्द इसको लेकर फैसला ले लिया जाएगा, हम लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, बहुत शुक्रिया आपका रोहित जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए।